कोरोना संक्रमण के इस दौर में सबसे अहम भूमिका ऑक्सीजन निभा रहा है, पर वही ऑक्सीजन को लेकर देश में हर मिनट कोई न कोई मरीज दम तोड़ रहा है। सरकार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं, पर ऑक्सीजन को लेकर हालात क्या हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है। बात की जाए संभल जनपद की तो यहाँ भी ऑक्सीजन को लेकर मारामारी जैसे हालात पिछले कई दिनों से हैं। पर चंदौसी में गुरुद्वारा के साथ साथ अब बेजोई के समाज सेवी राजेश शंकर राजू ने भी 24 घंटे ऑक्सीजन लंगर शुरू कर दिया है। बेजोई में पेट्रोल पंप पर राजेश शंकर राजू जनपद के मरीजों के साथ साथ अन्य जनपदों के लोगों को भी निःशुल्क ऑक्सीजन बांट रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है राजेश शंकर राजू का। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की इस क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी महसूस की जा रही थी, उस समस्या को देखते हुए हमने निःशुल्क 24 घंटे किसी भी दिन किसी मरीज को अगर आवश्यकता थी तो हमने ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। आज हम भैजू नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र एवं जनपद के आसपास के जितने भी शहर हैं, साथ ही साथ बदायूं, नोएडा, अलीगढ़, मुरादाबाद जैसे महानगरों को भी हम निःशुल्क गैस उपलब्ध करा रहे हैं। और जब तक ये ऑक्सीजन की समस्या रहेगी हम प्रतिबद्ध हैं लोगों को सेवा करने के लिए कि लोगों को कोई परेशानी इस दौरान नहीं आने देंगे।